जानवी कैसी हो तुम? और हर्ष, हर्ष की तबीयत कैसी है अभी? मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है जानवी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? बिना सवाल किए, बिना कुछ पूछे क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? कैसी मदद जानवी? तुमने मुझे बर्थडे में एक लाल पत्थर गिफ्ट किया था, वो पता नहीं कैसे बट गलती से मुझसे टूट गया। उसके अंदर एक औरत थी, सप्तरूपा। वो पता नहीं उसमें से बाहर निकलकर चारों तरफ बिखर गई। मैं उसे पकड़ नहीं पा रही हूँ। इससे पहले वो कोई नई मुसीबत खड़ी करते मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि तुम उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। जाने के लिए कह रहे हो? एक बार यही बात मेरी आंखों में देख कर कहो। I'm sorry. लेकिन जानवी, तुम्हें सत्रुपा को पकड़ने की इतनी जल्दी क्यों है? इस वक्त घर वालों की तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही पूछा था कि तुम बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ पूछे मेरी मदद कर सकते हो कि नहीं। But anyways, करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा मैं जानवी। बोलो क्या करना है? इतनी आसानी से मेरी हर बात कैसे मान लेते हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि सत्रुपा के जरिए मैं डायन और तुम्हारा विनाश करना चाहती हूँ। क्यों करते हो तुम मुझ पर इतना विश्वास? उस आकर्ष पर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो लाल पत्थर यहाँ था, यहाँ, तो फिर वो लाल पत्थर जानवी के पास कैसे पहुँचा? जरूर आकर्ष ने उस लाल पत्थर को जानवी तक पहुँचाया होगा, और फिर उस जानवी ने सत्रुपा को आजाद कर दिया। हाँ, लेकिन क्यों क्यों किया होगा उसने ऐसा, और कैसे? सप्तरूपा को पत्थर से निकालना इतना आसान नहीं है, मैं खुद नहीं जानती, सिर्फ राजा जानता है उसे बाहर निकालने का रास्ता, क्योंकि राजा ने उसे कैद किया था। राजा मर गया तो मुझे लगा सप्तरूपा हमेशा के लिए कैद हो गई है। मैं खुद नहीं जान पाई कि राजा ने उसे क्यों कैद किया था। 500 साल पुराना राज जानवी कैसे जानती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा ने मणि के बारे में जानवी को बता दिया हो और इसीलिए उसने आकर्ष के जरिए उस पत्थर को मंगाकर सप्तरूपा को आजाद कर दिया? तुम सही कह रहे हो, वरना उसे सवाल की और क्या वजह हो सकती है? और इन सब सवालों के जवाब जानवी के पास है, हमें उसका पता लगाना ही होगा। मुझे वो मणि चाहिए। ये सब क्या है जानवी? सत्रुपा को बुलाने का ये एक तरीका है, वो तभी आती है जब जिस पर उसका दिल आ जाए वो उसे बुलाए। मतलब ये ही कि तुम सत्रुपा का दिल बहलाओगे।